तैयारियां चल रही हैं। तो जो 75 साल में आजादी के बाद चीजें खड़ी हुई थी, आज उनको बेचा जा रहा है। और इन राजनेताओं की, चाहे कांग्रेस हो चाहे ये हो, ये तो कांग्रेस से 4 करोड़ भ्रष्टाचार उजागर हुआ। 2004 में जो केंद्र की सरकार बनी, कुछ ऐसी ताकतों का हिस्सा सरकार में था। नमस्कार सर। किसान सभा ने धरना दिया हुआ है, ये पूरा मामला क्या है? मैं मास्टर जग रोशन, अखिल भारतीय किसान सभा का जिला सचिव। आज का जो ये हमारा धरना और प्रदर्शन है डीसी ऑफिस पे, पिछले दिनों ये जो बेमौसमी बारिश हुई और 2 महीने से जो लंपी की बीमारी है वो, और किसानों के 2014 के बाद जो तत्काल स्कीम के तहत किसानों ने पैसा जमा करा रखा है, उस इन प्रमुख मुद्दों को लेकर के आज ये हमारा यहाँ जिला स्तरीय धरना है। इसमें प्रमुख मांग है हमारी, जो पानी भरने से और वर्षा से फसलें खराब हो गई, उसकी विशेष गिरदावरी करवा करके किसानों को मुआवजा दे सरकार। हम मांग करते हैं सरकार से कि 50,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार मुआवजा दे। लंपी बीमारी के कारण जिन पशुपालकों के पशु मर गए, उन पशुओं का एनिमल हस्बेंड्री रजिस्ट्रेशन करें और प्रत्येक पशुपालक को एक पशु का न्यूनतम 50,000 रुपये मुआवजा दे। किसान ने पिछले 4 वर्ष से पैसा भी जमा करवा दिया, सरकार ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं कर रही। अब रबी फसल का समय आ रहा है, तो हम सरकार से कहना चाहते हैं और आज अस्सी साहब से भी मिलेंगे और उनको नोटिस भी देंगे, यदि वो 10 दिन के दौरान ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं करते हैं तो उनके कार्यालय पे भी आने वाले समय में बड़ा धरना दिया जाएगा। और एक विशेष बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, पिछले वर्ष भी किसान सर्दी के मौसम में लाइनों में लगे रहे, अब रबी फसल की बुआई का समय आ रहा है, खास करके सरसों की बुआई शुरू हो रही है। आज DAP की बड़ी भारी किल्लत है, तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार सभी सोसाइटी में DAP खाद का प्रबंध करें और उसके साथ जो प्राइवेट लोग दूसरी चीज़ें किसान को दे रहे हैं, जिनकी किसान को आवश्यकता नहीं है, दूसरी दवाइयाँ दे रहे हैं, खादे दे रहे हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी उनको न थोपी जाए और सोसाइटियों में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करवाई जाए। और एक देवाणी, पूरे जिला में जब कोई भी किसी प्रकार की डीड चेंज होती है, रजिस्ट्रेशन होती है, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस बाकी ज़िलों में 200 रुपये, लेकिन हमारे भिवाणी ज़िला में पिछले 6-7 महीने से वो 1,000 रुपये कर दी गई है। हम पहले भी DC साहब को 2-3 बार कह चुके हैं, लेकिन आज उनको इस बात का नोटिस दिया है, यदि ये इस अक्टूबर के महीने में आपने वापस नहीं लिया तो उसके लिए भी हम आने वाले समय में बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। तो इन मुद्दों को लेकर के आज ये हमारा जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन था, यदि ये ऐसा नहीं करते हैं तो इस धरने को हम आने वाले समय में परमानेंट भी किया जा सकता है, यदि हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो। एक किसानों का विशेष मुद्दा है, फसल की बुआई के दौरान खाद न मिलना, और तमाम सोसाइटियों में तमाम जो ये प्राइवेट जितनी भी दुकान इनके अंदर खाद मौजूद है, मगर ये अन्य उर्वरक किसानों को दे रहे हैं, इसके मामले में किसान सभा, किसान यूनियन क्या कदम उठाएगी? मैं रामफल देसवाल, अखिल भारतीय किसान सभा का जिला प्रधान। अभी हम ADC साहब से मिल के आए हैं, हमने कहा है जहाँ भी ये खाद की जो दुकानें हैं उन पर बाहर लिखा होना चाहिए कि उनके पास उनके गोदाम में कितने क्या कुछ है बताती। हम लिखित में देखा है ADC साहब को, उन्होंने कहा कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे। मतलब आप लोग देख के आए कि भाई इसके पास कितना, हाँ कितना स्टॉक है, सारा बाहर लगाना चाहिए इसका। कविता, जो किसानों ने आज ये जो सभा का आयोजन किया हुआ है,
पिछले काफी लंबे समय से जल भरा हुआ और भी किसानों की बहुत सी समस्याएं, खाद न मिलना, सब चीज बुआई के दौरान है खाद न मिलना, तो आपका जो एरिया बैल का जो एरिया पड़ता है उसके अंदर सबसे ज्यादा किल्लत है, जबकि वहाँ का कृषि मंत्री है, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? सबसे पहले तो सभी भाइयों को नमस्ते। देखिए, जो आज खाद की जो किल्लत चल रही है वो बैल का कृषि मंत्री है विधायक ही, और वो बोलते हैं कि मैंने तो किसानों को खाद की पूर्ति करवा दी, लेकिन दो तीन दिन पहले ही एक मुकदमा दर्ज हुआ है बैल में। सबसे पहले कृषि मंत्री के शायद भिवानी जिला में ही नहीं, पूरे हरियाणा की बात करते हो, अब से पहले ऐसी घटना शायद कहीं नहीं हुई होगी जो बैल में घटी है। बैल में खाद के लिए एक व्यापारी का और किसान का आपस में झगड़ा हो गया खाद को लेकर के, और उन्होंने आपस में मुकदमा दर्ज हो गया और वो बैल थाना में मुकदमा दर्ज है। तो क्या कृषि मंत्री को वो मुकदमे दिखाई नहीं देते? लेकिन कृषि मंत्री की तो आंखें मिची हुई हैं, वो बौखलाया हुआ है, वो सत्ता का जो घमंड है उसमें चूर है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, ना उसको लोहारू हल्का दिखाई देता और ना ही कोई भिवानी दिखाई देता, ना उसको हरियाणा दिखाई देता, वो तो अपने सत्ता में अपने ऐसो आराम में चूर है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं जो किसानों के लिए जो किल्लत है तो उनकी पूर्ति करे, वो खाद की पूर्ति करवाए, क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? और जो हमारी आज जो भिवानी डीसी ऑफिस के सामने हमारा जो प्रदर्शन है जो है वो अनेक मांग और मुद्दों को लेकर के है, जो बेमौसमी कारण के जो जल भराव की बात है, या चाहे वो हमारे बीमा क्लेम की बात हो, स्पेशल गिरदावरी की बात हो, तो ये तमाम मुद्दों के साथ हम आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमने डीसी साहब तो मिले नहीं, एडीसी साहब से बातचीत भी हुई तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, तो अब देखते हैं वो कितना खरा उतरते हैं अपने आश्वासन पर। लेकिन हम दोबारा आने वाले टाइम में फिर धरना बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये धनाणा जताई सुपरा ये जो एरिया लगता है यहाँ पर जो भराव की समस्या बहुत बड़ी, बिल्कुल पूरी तरह से डूबे हुए, कोई ध्यान नहीं दे रहा। आप लोग तमाम तरीके से पहले काफी लंबे से प्रदर्शन करते आ रहे, बिल्कुल ये मांग हमने प्राथमिकता पर रखी है, हमारा जो ज्ञापन था उसमें तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे और उस पानी को निकलवाने का काम करेंगे। लेकिन अभी देखते हैं, अगर नहीं निकालेंगे तो फिर इन गांवों के और ज़्यादा किसान आकर के और यहां घेराव करेंगे डीसी ऑफिस का, और जो आगे की रणनीति है वो हम तैयार करेंगे। आज आप लोगों ने जो ये धरना प्रदर्शन किया, ये पूरा क्या मामला है? ये अखिल भारतीय किसान सभा का हमारा जिला का आज प्रदर्शन है, धरना है। हमने एक ज्ञापन दिया है जिला उपायुक्त को और उनसे मांग की है कि ये जो बारिश का पानी भर गया कई गांवों में, विशेषकर भवानी खेड़ा क्षेत्र में, इसको निकाला जाए। अगर इसको नहीं निकाला तो अगली फसल किसानों की तैयार नहीं होगी, जो बर्बाद फसल होगी, चाहे वो वर्षा के पानी से होगी, नहर टूटने से होगी, ड्रेन ओवरफ्लो होने से हुई है, तो उसकी स्पेशल गिरदावरी करके किसानों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए, ये आज हमारी मांग है। और 2020 का आज बताया गया है कि 81,61,00,000 रुपए आए हैं मुआवजे के, वो भी हमारी मांग थी काफ़ी दिन से। और जो ओले पड़े थे पीछे, उनकी जो सरसों और गेहूं ख़राब हुए थे उसका भी अभी मुआवजा नहीं दिया सरकार ने। साथ में ट्यूबवेल कनेक्शन काफ़ी दिन से किसानों ने पैसा भर रखा है, वो अभी जारी नहीं किए गए। और गाँव में लंपी बीमारी से काफ़ी दुधारू पशु, विशेषकर गायें, काफ़ी गाँवों में जो है काफ़ी संख्या में उनकी मृत्यु हो गई। तो हमारी मांग है कि उन तमाम किसानों को जिनकी गाय दुधारू मरी है उनको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि किसान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और पशुपालन में अब पशुपालन भी खेती की तरह घाटे का सौदा हो गया, चारा महंगा हो गया है, मिल भी नहीं रहा और बीमारियां आ रही हैं। सरकार इसको कंट्रोल करे, प्रशासन, और उन तमाम किसानों को मुआवजा दे और ये पशुधन के मेड़े खोले, क्योंकि पशुधन मेड़े खोलने के बगैर किसान को बहुत भारी घाटा हो रहा है। ये इस तरह की मांग हमने की है आज प्रशासन से। जिला उपायुक्त तो चले गए थे लेकिन अतिरिक्त उपायुक्त ने हमारी बात सुनी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं जिला उपायुक्त से बात करके इनको लागू करवाऊंगा। मूंग का मुआवजा है वो भी नहीं मिला है, मंडी में जो है कपास, धान, मूंग, इनकी खरीद का सवाल है, बाजरा, वो MSP पर खरीदे जाएँ और तमाम किसानों की फसल जो है तुरंत खरीदने की व्यवस्था हो। इन मांगों को लेकर के आज हमने ये धरना दिया है और आने वाले टाइम में अगर सरकार ने नहीं किया तो हम ये लंपी बीमारी से मृत्यु हुई पशुओं को लेकर के और वर्षा का पानी को लेकर के बड़ी लामबंदी करेंगे, किसानों को संगठित करके सरकार को मजबूत करेंगे। ये एक मेन ये है सर, जो बुआई का टाइम है, DAP
गोदामों के अंदर है, मगर किसान तो को अभी नहीं अभी एडीसी साहब से बात हुई है कि डीएपी तमाम किसानों को उपलब्ध कराया जाए, सस्ते बीज उपलब्ध करवाए जाएं, क्वालिटी के बीज उपलब्ध करवाए जाएं, इन तमाम बातों पर चर्चा हुई।